टोटली प्राउड ऑफ फेसलिफ्ट होने के लिए आया ऑटो चैनल वन पे। गाड़ी की साइड प्रोफाइल लेफ्ट वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इसकी यहाँ पे डोर मोल्डिंग आती है क्रोम वाली, जैसे आपको दिखा देना इसकी बैक लाइट्स की इसकी फिटिंग बनाई जाती है। मेरे लेफ्ट पे ये गाड़ी खड़ी हुई, मैं आपको इसका दिखा दूँ तो अभी जैसे ये फिनिश पे आ गया, इसको पीसीस वगैरह सारा फिनिश कर दिया गया। मैं आपको लाइट्स भी इसकी रख के दिखाता हूँ, लाइट रखिएगा, लाइट आपको इसके रख के दिखाएं। अभी सिर्फ बॉडी टू बॉडी लाइट बैठी हुई है, इसमें कोई गैप्स नहीं है। अभी इंटीरियर में तो काम अभी इसका स्टार्ट करना है, इसका स्टेयरिंग और जैसे ये चाबी है, ये की है, ये उतार देंगे। ये भी एक से कारपेट पर रेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम सैफ फ्रॉम अर्सलमान। व्यूअर्स, प्राडो दिखाते हैं आपको फेसलिफ्ट कहाँ तक काम पहुँच गया, कितना काम हो गया, कितना रह गया। देखते हैं इसका फ्रंट तो मेरे हिसाब से कंप्लीट ना हो गया है। OEM स्टाइल में प्राडो तैयार हो रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर टोटली प्राडो फेसलिफ्ट होने के लिए आया ऑटो चैनल वन पे, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट कंटिन्यू काम डे बाई डे आगे जाई जा रहा है। फ्रंट इसका कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पे आपको इसकी बात करें तो बोनट, फेंडर्स, इसकी OEM स्टाइल हेडलाइट्स, इसकी फ्रंट की ग्रिल, इसका बम्पर, सब कुछ एडजस्टमेंट इसको कर दिया गया है। ये चीज़ें इस वजह से लगाई जाती हैं ताकि आपका प्रॉपर पहले ही जो सा गाड़ी का इसकी अलाइनमेंट हो जाए इसके डोर्स के साथ और इसकी बोनट की बॉडी के साथ, फेंडर्स की पिलर्स के साथ। इस वजह से फिर अभी सामान जब उतारेंगे पेंट के लिए उतारेंगे, फिर जब दोबारा लगाने पर कोई इश्यूज़ नहीं बनते। आम मार्केट में क्या होता है, वो पेंट करके ऐसे ही लगा देते हैं, पर जो चीज़ पहले पेंट होने वाली होती है उसको पहले पेंट किया जाता है, जो सेटिंग्स के बाद की जाती है उसको बाद में करते हैं। तो आपको उसका बताता जाए, इसको सारा फ्रंट की कंप्लीट शो इसकी कंप्लीट हो चुकी है। साइड प्रोफाइल पे चलते हैं, साइड प्रोफाइल पे इसका क्या क्या काम होने वाला है। साइड पे देखते हैं इसके फेंडर्स की अलाइनमेंट इसके पिलर के साथ प्रॉपरली इसकी कर दी गई है। जैसे इसके न्यू मॉडल की यहाँ से आगे इसका फेंडर में बेंड पड़ता है, वैसे इसको बेंड यहाँ पर इसको किया गया। और डोर के साथ आम मार्केट में क्या होता है, आपका पुराना फेंडर को कट कर देते हैं और उसको ही बैक पर एडजस्ट करते हैं, बट इसका क्या किया गया, इसका न्यू फेंडर को ही प्रॉपर इसको एडजस्ट किया गया इसके डोर के साथ, इसके पिलर के साथ। इसका साइड डोर भी इसका आपको दिखाते जाऊँ, ये इसको पहले इसके ऊपर रेस्ट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस पुराने डोर के ऊपर, ये ख़त्म की जाएगी, यहाँ पे इसको पीस लगाए जाएंगे। उसी के साथ गाड़ी की साइड प्रोफाइल लेफ्ट वाली ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। फ्रंट डोर इसका रेडी कर दिया गया, फ्रंट डोर की अलाइनमेंट इसकी फ्रंट फेंडर के साथ की जाती है और इसकी यहाँ पे डोर मोल्डिंग आती है क्रोम वाली, उसकी यहाँ पे ये लाइन के इसका कट जिसे बोलते हैं वो इसका बनाया गया प्रॉपर। अभी जब गाड़ी पेंट हो जाएगी इसको मोल्डिंग लगाएंगे तो प्रॉपर मोल्डिंग अपनी जगह पे एडजस्टमेंट बैठेगी। बैक डोर के ऊपर भी बैक डोर पे भी एज इट इज़ ऐसे ही है, इसको डोर मोल्डिंग भी लगनी है, उसकी भी इसकी एडजस्टमेंट फ्रंट बैक से की जाती है और उसके साथ साथ इसकी बैक फेंडर की और बैक डोर की इसकी अलाइनमेंट इसको प्रॉपर की जाते हैं। जब भी गाड़ी हमारी ग्राउंड पे आती है, पेंट के ऊपर आती है, तो आपको ये भी बताएंगे कि गाड़ी की अलाइनमेंट कैसे एडजस्ट होती है। बाकी गाड़ी की जब डे बाय डे जब आपको इसके ग्राउंड भी दिखाएंगे और इसकी जैसे जैसे ये गाड़ी फिनिश पे आती जाएगी आपको दिखा देंगे। राइट साइड इसकी ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, उस साइड पर चलते हैं, उससे पहले इसका बैक बम्पर देख लेते हैं। बैक से भी इसका काम इसका स्टार्ट करके बल्कि फिनिश भी हो चुका है। जैसे आपको दिखा देंगे इसकी बैक लाइट्स की इसकी फिटिंग बनाई जाती है, ये इसके न्यू मॉडल की फिटिंग बनाई जाती है और ये लाइन बैक लाइट में भी हम जब देखेंगे तो यहाँ पे लाइन होगी बैक लाइट में, तो प्रॉपर इसको ये लाइन अलाइन की गई है। उसी के साथ साथ इसको अब इसको प्रॉपरली इसको सारा फिनिश किया जाएगा, इसको ग्राइंडर लगेगा। जैसे कि मेरे लेफ्ट पे ये गाड़ी खड़ी हुई, मैं आपको इसका दिखा दूँ तो अभी जैसे ये फिनिश पे आ गया, इसको पीसीस वगैरह सारा फिनिश कर दिया गया। ये भी अभी वैसे ही होना है। इसका बैक बम्पर भी एडजस्ट कर दिया गया, बैक जिसको अभी बॉडी किट्स वगैरह लगनी है वो बाद का एक्सेसरीज में आती है, वो बाद में इसको लगाई जाएगी। उसी के साथ साथ इसकी गार्निश है, गार्निश आपकी बात करें, गार्निश हम ये उतार देते हैं। मैंने एक हम अक्सर गाड़ी देख रहे होते हैं कि जो कि आपकी पुरानी डिग्गी को काट देते हैं, ऑटो चैनल वन पे ऐसा नहीं होता, आपकी पुरानी डिग्गी को काटते नहीं है, उसको सिर्फ एडजस्ट गार्निश की फिटिंग बनाते हैं और प्रॉपर आपकी गार्निश लगा देते हैं। हमने ये पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपकी गार्निश को काट के आपकी जो डिग्गी होती है वो ख़राब कर देते हैं। और ये बैग का ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, ये एक बैग आपका डोर लॉक, आम इदारे क्या कह रहे हैं उसको यहाँ भी छोड़ देते हैं, कस्टमर्स को तो नहीं पता होता बट वो क्या करते हैं पैसे चार्ज कर लेते हैं, बस ये चीज़ें यहाँ भी छोड़ देते हैं। और जिसमें कि ये पुराने मॉडल का यहाँ पे न्यू मॉडल का इसका साइड पे आ जाता है। ऑटो चैनल वन पे छोटी छोटी चीज़ें सारी एडजस्टमेंट की जाती हैं इसका। अभी आपको लेफ्ट पे दिखाया, राइट पे दिखाते हैं, इसकी बैक लाइट कंप्लीट हो चुकी है, बैक लाइट के ऊपर इसकी शेप्स बना दी गई हैं और इसको फिनिश में भी ले आया गया। अभी सिर्फ डेंटिंग की ये फिनिश है, जो मेरे कैमरे पर नज़र आ रही है सिर्फ डेंटिंग की फिनिश है। अभी इसको ग्राउंड बन के पेंट लगना है। मैं आपको लाइट्स भी इसकी रख के दिखाता हूँ, लाइट रखिएगा, लाइट आपको इसके रख के दिखाएँ। ये
अभी ना गाड़ी के ऊपर कोई पेंट ना ग्राउंड बनी है और ना इसके ऊपर कोई और सेटिंग है, अभी सिर्फ बॉडी टू बॉडी लाइट बैठी हुई है और गाड़ी के अंदर कोई गैप, ऊपर से भी मैं आपको दिखाता जाऊँ तो कोई गैप और कोई मतलब कि इसमें कोई गैप्स नहीं है, जो कि जैसे कि आम हमने मार्केट में देखते हैं लोगों की लाइटों में हाथ जा रहे होते हैं, आर्टिसन वन पे ऐसे नहीं है। अब इसकी ग्राउंड बनेगी और इसके ऊपर पेंट होएगा, फिर ये गाड़ी की और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पर दिखाने का मकसद ये है, ऑटो चैनल वन पे जो काम होता है उसको पहले अलाइन किया जाता है फेंडर के साथ, लाइट की प्रॉपर इसकी लाइन, लाइट की लाइन और फेंडर की लाइन बराबर की गई है। और मैं आपको दिखाता जाऊँ, जब पेंट से पहले लोगों की लाइटों में हाथ भी जा रहे होते हैं और वो गैप्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे भी दोस्तों सिर्फ लाइट डेंटिंग हुई है तो लाइट प्रॉपर जगह पर बैठी हुई है। इसमें एक फेक डमी लाइट भी आई है, वो ऑटो चैनल वन वाले यूज़ नहीं करते, मार्केट में चल रहा हो, कस्टमर्स को जो उनसे ना मिसगाइड किया जाता है कि वो आपकी लाइट उसी फिटिंग में बैठ जाएगी, बट उसी फिटिंग में बैठेगी तो फेसलिफ्ट गाड़ी का पता ही नहीं चलना, वो बल्कि और अकफट लगती है, बुरी लगती है। इसकी ये साइड राइट साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसका बैक फेंडर भी कंप्लीट है, इसको ग्राइंडर भी लग चुका है, बैक बम्पर भी कंप्लीट है, उसी के साथ साथ इसका बैक का आपका डोर भी कंप्लीट है। और उस पर बात करते हैं इंटीरियर में भी क्या क्या होने वाला, अभी इंटीरियर में तो काम अभी इसका स्टार्ट करना है, जैसे कि डैशबोर्ड है, जब भी गाड़ी हमारी डेंटिंग कंप्लीट हो जाती है फिर इसके इंटीरियर का काम स्टार्ट करते हैं। जब इसका डैशबोर्ड चेंज होना है प्रॉपर, इसका नए मॉडल वाला डैशबोर्ड लगाए जाएंगे 18 मॉडल का, और इसको हम डैशबोर्ड का मीटर, इसका स्टेयरिंग और जैसे ये चाबी है, ये की है, ये उतार देंगे यहाँ पर आपका, जैसे ओरिजिनल में पुश स्टार्ट आता है पुश स्टार्ट इसको लगाया जाएगा, और नीचे फ्लोर की मैटिंग की जाएगी, कारपेट का बहुत बुरा इसका हाल है, इसको नज़र आ रहा है मुझे नीचे एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको दिखा देंगे तो ये भी एक इसे कारपेट पर रेस्ट है, तो ऑटो चैनल वन में जब हम इसके ऊपर मैटिंग कर देंगे तो आपको इस तरह के मसले फेस करने नहीं पड़ेंगे। अब इस पर मैटिंग होनी है और न्यू मॉडल वाली इसको सीट्स की कोशिश की जाएगी, आपको दिखाते जाए तो इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट ये सारा इसको नया बनाया जाएगा, जैसे सीट इसकी फटी हुई है, ये सारी मैनेज करके इसकी प्रॉपर इसकी एक न्यू लुक गाड़ी को अंदर और बाहर से दी जाएगी, ये पूरी इंटीक बनने वाली है क्योंकि गाड़ी फुली ऑप्शन तैयार होने वाली है। फ्रंट पे चलते हैं, फ्रंट पे आपको दिखाते जाएँ इसका। हाँ, मेरे पास एक गाड़ी आई थी जो कि आपको पहले भी दिखाई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप से, अब आपको दिखाते जाएँ इसमें किसी किस्म का कोई गैप नहीं है, बोनट फेंडर सब जगह पर एक्यूरेट बैठा हूँ। आप भी अपनी किसी गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाना चाहते हैं तो ले आएँ ऑटो चैनल वन पे, किसी भी वीगो को, प्राडो को, लैंड क्रूजर को और क्रोलास वगैरह को भी करवाना चाहते हैं, और अपनी किसी और गाड़ी को भी, रोड पर चलती गाड़ी है जिनका एक्सीडेंट हो जाए, मतलब कि कोई पेंट का काम हो, कोई डेंटिंग का काम हो, तो ऑटो चैनल वन पे विजिट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।